ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रातःकालीन स्नान करके अपने घर के निकट किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। गंगा जल और दूध से भी अभिषेक करना चाहिए। इसके पश्चात शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, गाजर, बेर इत्यादि अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि अन्य फलों की अपेक्षा भगवान शिव को जंगली फल व पत्तियां अधिक प्रिय हैं। इसके बाद धूप दीप जलाकर शिव जी की आरती करें और मानसिक जप ओम नमः शिवाय का करते रहें। शिवलिंग पर विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग पदार्थों से अभिषेक किया जाता है। जैसे कुछ विशेष अभिषेक के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक करें, लक्ष्मी और ऐश्वर्य के लिए गन्ने के रस से करें, रोग संबंधी मामलों के लिए कुश के जल से करें, लंबे समय तक बुखार के ना उतरने के उद्देश्य के लिए खाली जल से करें, शत्रु नाशक उपाय के लिए सरसों के तेल से करें, क्षय रोग के लिए शहद से करें, हर तरीके के दोष विकार और पापों के नाश के लिए पंचामृत से करना चाहिए, सुख और ऐश्वर्य के लिए घी से करें, जड़ बुद्धि विनाश और कुंठित बुद्धि के लिए गुड़ के रस से और मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थों के जल से अभिषेक किया जाता है। सामान्यतः जलाभिषेक यदि आप रोज करते हैं तो इन किसी भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी अभिलाषा है इन पदार्थों से शिवलिंग का अभिषेक करें और लाभ प्राप्त करें। आज फागुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि मंगलवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा आज दिन भर रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे। आज के दिन जन्मे जातक स्वस्थ शरीर वाले सात्विक, धार्मिक, सत्यप्रिय होते हैं, महत्वाकांक्षी, सामाजिक और कानून के आदर करने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। आज सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में आ चुके हैं। सितंबर से लेकर और अब तक पूरी सृष्टि पर जो काल सर्प योग लगा हुआ था आज से यह दोष भंग हो जाएगा। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प योग की शर्त पूरी हो रही है आज से उनको राहत मिलेगी। उनकी चल रही बाधाओं और दिक्कतों में कमी आएगी और हर काम में सहूलियत महसूस होगी। ऐसे जातकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेष राशि के लिए आज आपकी कार्य ऊर्जा सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए सार्थक पहल की ओर बढ़ेगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा मगर पारिवारिक तनाव आज दिन भर लगा रहेगा। चूंकि चंद्रमा केतु के साथ आ गए हैं और राहु आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं, इसलिए घर गृहस्थी से संबंधित तनाव बना रहेगा। माँ के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। संतान संबंधी बहुप्रतीक्षित तनाव खत्म हो जाएगा। व्यावसायिक उन्नति और खुलकर होगी। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि वैवाहिक प्रसंग चल रहा है तो वह भी साकार हो सकता है। वृष राशि वाले जातक आज शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। शुक्र के आपकी राशि से दसवें भाव में सूर्य के साथ होने की वजह से पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। व्यावसायिक उत्थान का योग बन चुका है। संपत्ति में निवेश का भी योग बना हुआ है। आज आपके सारे प्रयास सार्थक होंगे। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। छोटी यात्रा का योग बना हुआ है। स्वास्थ्य में सुधार का क्रम जारी रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां लगी रहेंगी। त्वचा व आँखों से संबंधित संक्रमण होने का खतरा बना हुआ है। सावधानी रखें मगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से
सार्थक पहल जारी रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता और सामाजिक कूटनीति व्यावसायिक उत्थान के लिए सहायक रहेगी। बहुप्रतीक्षित काम संपन्न होंगे। विरोधी पक्ष कमजोर रहेगा। माँ दुर्गा की आराधना लाभदायक रहेगी। कर्क राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर आज बढ़ा हुआ रहेगा। गत दिनों की अपेक्षा आज काम करने में मन लगेगा। व्यावसायिक कार्य योजनाएं फलीभूत होंगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। विरोधियों से भी आर्थिक लाभ संभव है। शाम का माहौल थोड़ा उदासी भरा हो सकता है। हर काम के प्रति जल्दबाजी ना करें, नुकसान का अंदेशा बनता है। किसी के समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों की पहले से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में सुधार का दौर अब चालू होगा, क्योंकि अब तक सूर्य केतु के साथ आपकी राशि से छठवें बैठे हुए थे, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी और हड्डी संबंधी दिक्कतें 2 महीने से चल रही थीं। इसके बावजूद आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक उत्थान का योग बना हुआ है। भूमि, वाहन, मकान या निवेश संबंधी योजनाएं फलीभूत हो सकती हैं। अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहें, आपके प्रयास सार्थक होंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी। आपके कार्यों में आकस्मिक बाधा संभावित है, मगर आपकी बौद्धिक क्षमता और मित्रों का सहयोग व्यावसायिक उत्थान में सहायक होगा। संबंधियों व रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको मिलता जाएगा। अपने बढ़े हुए आत्मविश्वास को अपने व्यवसाय की उन्नति में खर्च करें। हर तरफ से अनुकूलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष में विरोधियों से भी लाभ का योग बना हुआ है। तुला राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक कलह और आपसी मनमुटाव के मामलों से राहत मिलेगी। मन में खुशी का माहौल बना रहेगा। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। नौकरी या कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में तनाव या विवाद से में राहत मिलेगी। आर्थिक उन्नति में किसी महिला अधिकारी का सहयोग या दिशा निर्देश लाभदायक सिद्ध होगा। किसी समारोह या उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को नई कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने का समय हो चुका है। पहले से रुकी हुई या विवादित योजनाओं के लिए प्रयास करें, सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले जातक अब तनाव मुक्त महसूस करेंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग और संबंधित रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। नए निवेश का योग बना हुआ है। आपके प्रयास और आत्मविश्वास में बल मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में सुधार होगा। धनु राशि वाले जातकों के आँखों व मसूड़ों से संबंधित दिक्कत होने का खतरा बढ़ा हुआ है। अधिक परिश्रम का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नई कार्य योजनाओं के लिए यात्रा संभावित है। आर्थिक पक्ष में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मानसिक तनाव से व्यावहारिक पक्ष को खराब ना करें। विरोधियों से नुकसान संभव है। प्रतिकूल माहौल से दूर रहें। वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। मकर राशि के लिए आज मन में अनावश्यक व्यग्रता, जल्दबाजी और अतिरिक्त मानसिक दबाव की स्थिति लगभग बनी रहेगी। बुध केतु के साथ चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही बने रहेंगे। अपनी योजनाओं को धैर्यपूर्वक निर्णय लेते हुए कार्यान्वित करें, सफलता मिलेगी। पत्नी की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। व्यावसायिक उत्थान और आर्थिक उन्नति का दौर अनुकूल है। मित्र व अधिकारियों की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। हल्का फुल्का व्यायाम रोज की दिनचर्या में शामिल करें।
कुंभ राशि के लिए पिछले दिनों से चले आ रहे मानसिक तनाव में कमी आएगी, खुशी और प्रसन्नता महसूस करेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में भी सुधार होगा। व्यावसायिक योजनाओं में किसी बुजुर्ग या महिला का सहयोग लाभदायक सिद्ध होगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। संतान व परिवार पर खर्च की स्थिति बनी हुई है। भविष्य की योजनाओं में निवेश का योग बना हुआ है। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। मीन राशि के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी मामलों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। आँखों और कानों से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें। अपनी कार्य योजनाओं को कल पर ना टालें। आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी चिंता अभी बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। रुके हुए काम शाम तक संपन्न होंगे। पहले से चली आ रही दिक्कतों के लिए उचित चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।